हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को तरुण कृष्ण यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है, लॉकडाउन का समय चल रहा है आप सभी को पता ही है। तो ऐसे हम घर में जो भी कुछ मतलब कर रहे हैं, आर्ट वगैरह की हमने काफ़ी वीडियो डाली है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, रसगुल्ले ट्राई कर रहे हैं। जो स्पंज वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखें मेरी पूरी वीडियो और इन्जॉय करिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि जो भी मतलब आपको वीडियो पसंद आया, कमेंट करके बता रहे हैं नीचे कैसी है कैसी वीडियो नहीं है। लाइक करो वीडियो को और यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वीडियो बनाते हैं ना तो थोड़ा मतलब एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। फिर उसको एडिट करो, फिर अपलोड करो, फिर लोगों तक पहुंचाओ, इस वीडियो को पब्लिश करो, इन सब में क्या थोड़ा एफर्ट लगता है और फिर ना व्यू नहीं आते या सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा शेयर करो या फिर सब्सक्राइबर बढ़वाओ, थोड़ा सा हेल्प करो, ठीक है। थोड़ी सी आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो देखो वीडियो को, कैसी वीडियो बनी है बताना नीचे कमेंट करके। सबसे पहले हमने 2 किलो के आसपास दूध ले लिया है, जिसमें हमने विनेगर के थ्रू इसको क्या करा है, फाड़ लिया है दूध को। तो आप कैसे भी फाड़ सकते हो, नींबू वगैरह के थ्रू आप दूध को फाड़ सकते हो। तो सबसे पहले दूध को फाड़ ले रहे हैं, जिसमें हमने विनेगर की हेल्प ली है। जब दूध फट जाए उसके बाद इसको एक सूती कपड़े में आप इसको क्या कर लोगे, छान लोगे, उसके बाद इसको सुखा लोगे। सुखाने के बाद ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे पनीर होता है। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसको बना लेना, जैसे आप दूध फट जाएगा तो उसके बाद जैसा पनीर होता है उसी तरीके से बन जाएगा। फिर इसे आप थोड़ा धो लीजिए पानी वगैरह से। अपने स्वाद अनुसार 1 या 2 तार की चाशनी बना ले। चाशनी को पतला रखना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, जैसा कि आपने देखा ही होगा रसगुल्ले में कितनी पतली चाशनी होती है, उसी तरीके से इस चाशनी को आपको तैयार कर लेना है। ये जो आपने दूध को फाड़ा था, जो आपने इसका ये पेस्ट सा बनाया था, इसका पनीर सा ये बनाया था, उसके अंदर आप थोड़ा अरारोट डाल सकते हो, ताकि इसके जो बॉल्स हम बनाएंगे रसगुल्ले का शेप, इसको जो हम देंगे उसके लिए इजी हो जाए। या फिर इसके अलावा आप थोड़ी इसमें मैदा मिला सकते हो, 1/2 कटोरिया, जो आपको लगे आपके मतलब जितने आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप जो मैदा उसमें थोड़ी डाल लो। तो हमने क्या करा, यहाँ पर अरारोट थोड़ा सा डाला था। आप इसको और बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हो, मैदा डाल सकते हो। उसके बाद इसको गूंदना है कम से कम 15 मिनट तक, कम से कम इसको 15 मिनट तक आप गूंदते रहिए। फिर ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ। तो इसको 15 मिनट तक गूंदते रहिए। उसके बाद इसको क्या करना है, बॉल की शेप देनी है हमें। तो 15 मिनट तक इसको टाइम अपना लगा लीजिए और गूंदना शुरू करिए। Thank you.
करने के बाद इसको शेप दीजिए, बॉल्स की रसगुल्ले की शेप दीजिए, तो बिल्कुल अलग अलग आप बना लीजिए अपने रसगुल्ले। आपने रसगुल्ले को शेप दे दिए, बॉल्स बना लिए, इतनी सारी आपकी बॉल्स तैयार है रसगुल्ले की। अब क्या करना है आपको, अब जो आपकी चाशनी थी उस चाशनी में इसको, चाशनी को बॉईल करना है हमको, गैस पे रख देना है। बॉईल करते हुए उसको साथ में इसको क्या करना है, जो आपने बॉल्स बनाई है रसगुल्ले शेप दिया है इसको, इसको क्या करना है, वो इसके अंदर जो चाशनी थी उसी के अंदर इसको बॉईल करना है कम से कम 5 मिनट तक। तो जो भी ये चाशनी बॉईल हो रही है उसी के साथ साथ में इसको डाल दिया और 5 मिनट तक इसको बॉईल करना है। इसके अलावा जो आप ये चाशनी में बॉईल कर रहे हो, इस चाशनी के अलावा एक और चाशनी आपको तैयार करनी है, जो चाशनी आपको ठंडी रखनी है, जो बिल्कुल नॉर्मल रखना है आपको। उस चाशनी को ठंडा भी रख सकते हो और नॉर्मल रख सकते हो। उस चाशनी में फिर इन जो रसगुल्ले को आप चाशनी में बॉईल कर रहे हो उसको सीधा उस चाशनी के अंदर निकालना है, जो ठंडी चाशनी है, यहाँ से निकाला और सीधा उस वाली चाशनी में इनको डाल दिया। Thank you.
और इसके बाद अगर आपको चेक करना है कि आपके रसगुल्ले सही बने हैं कि नहीं बने हैं, उसके बाद आप एक गिलास में पानी लीजिए और जो रसगुल्ले डूब रहे होंगे मतलब वो सही बन गए हैं, और जो नहीं डूब रहे होंगे मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो ये तरीका पता करने का कि सही बने कि नहीं। इतना सिंपल था, आपके रसगुल्ले इसी तरीके से तैयार हो जाएंगे। थोड़ी देर इनको फ्रिज में रख दीजिए, चाशनी में बॉईल करने के बाद ठंडी चाशनी में इसको निकाल लीजिए, उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए और फिर आपके रसगुल्ले तैयार, और स्वादिष्ट रसगुल्ले को खाइए। यहाँ पर जो आपने सामने आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने दो तरीके करे थे। एक रसगुल्ले को हमने क्या करा, गर्म चाशनी में डाल दिया, और एक रसगुल्ले को हमने क्या करा, ठंडी चाशनी में डाल दिया। तो जो हमने गर्म चाशनी में रसगुल्ले को डाला था उसके बन के छैना मुर्गी जो आपने खाई होगी, और एक जो हमने ठंडे चाशनी में उसको डाला था वो स्पंजी रसगुल्ले बन गए। तो दो दो रेसिपी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया एंड में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो पसंद है और लाइक करना। वीडियो बेकार लगी हो कैसी भी हो तो ये कमेंट करके बताना, सुधार जो हमें करना चाहिए कमेंट करके बताना। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर भी करना वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो, अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में सबको शेयर करना। तो ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।